नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सभी मैं एक बार, फिर आपके अपने परिवार, में शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए जितना ज्यादा आप लाइक कर सकते हैं लाइक कर दीजिए जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो एस एस सी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन को तुरंत सब्सक्राइब कर लें जल्दी जल्दी सभी मित्र जुड़ के उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी लोगों को सारे नोटिफिकेशंस मिल सके ताकि आप सभी साथियों को सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके तो आप लोग आ जाइएगा यहाँ पर जल्दी जल्दी आ जाइए जिससे हम लोग सेशन को स्टार्ट कर सके बढ़िया तरीके से ठीक है हाँ जी राधे राधे बेटा राम राम एंड ऑल दैट सभी लोग आ जाइए यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ मेरे शेरों मेरे दोस्तों तो आप लोग के लिए सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन कि जितने भी हमारे दोस्त एसएससी सीजीएल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मैं बताऊं तो आप सबके लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन ऐसा जो आपने थिंक नहीं किया होगा ऐसी चीज जो आपने सोची नहीं होगी हम लेकर आ रहे हैं दो अप्रैल को शाम को सात बज के पैंतालीस मिनट पे तो आप सभी साथी इस सेशन से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें तो आप लोग को क्या करना है आप लोग को पता है आप लोग को अंडर ट्वेंटी फोर सेवन का जो यूट्यूब चैनल है एस अड्डा का उस पर जाना है हाँ और जाकर के ये वीडियो मतलब ये सेशन लग चुका है आप लोग को उसे जो है वो लाइक करना है जा करके तो अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन में एस एस सी अड्डा पे जाइए लो इस आने में दिक्कत प्रॉब्लम कर रहा है चलो कोई नहीं एस एस सी अड्डा पर जाकर के उसे क्या कर लीजिए उसे आ, सब्सक्राइब मतलब उसे लाइक कर दीजिएगा सेशन को ठीक है ये काम आप कर देंगे ना सी, हाँ बेटा सीजीएल से इग्नू का एग्जाम पैटर्न एट पार सिमिलर है हो जाएगा उसमें कोई इश्यू नहीं है ठीक है चलो यहाँ आ जाओ तो आप लोग के लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन सी लाइनें लेकर मैं आया हूं तो इन लाइनों को हम समझेंगे और देखते हैं क्या है सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है सफल में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है अगर बिकने पर आ जाओ अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है तो आप अपनी वैल्यूज को बढ़ाओ समझ गए किसी के कहने से कुछ नहीं होता आप ये खुद अच्छे से जानते हो आपको जो लक्ष्य प्राप्त करना है आप उसे कर सकते हो आई बात समझ में तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि रात दस बजे की जो क्लास है आप लोग की वो स्टार्ट कर दी गई है कल रात दस बजे वाली क्लास हुई थी रात दस बजे वाली जो आपकी क्लास थी वो कल हुई थी रात दस बजे की जो क्लास थी वो कल रात में हुई थी तो आप सब लोग भैया उस क्लास से जुड़िए ठीक है तो आज रात दस बजे भी क्लास होगी आप लोगों के कहने पर मैंने क्लास स्टार्ट की है तो आप सब लोग उस क्लास से जुड़ना शुरू कर दीजिए ठीक है कल रात भी आप लोग की क्लास हुई थी ठीक तो है चलिए तो सब लोग ऐप डाउनलोड कर लो बेटा क्योंकि ऐप में जो ये क्विज आता है ना डेली ये क्विज आप लोग के लिए बिल्कुल रामबाण है अगर आप देना शुरू कर दो तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ऐप डाउनलोड करना आपके कमेंट बॉक्स में एक लिंक अवेलेबल है उस पर क्लिक करके सीधे आप ऐप डाउनलोड के लिंक पर पहुंच जाएंगे ठीक है एस एस सी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए तो स्टार्ट करते हैं और एक बात बता दूं मंथ एंड सेल चल रही है जिसमें जितने भी बैचेस हैं, चाहे वो कोई महापैक हो और चाहे वो कोई बैच हो उन सब पर चल रही है डबल वैलिडिटी, सारे बैचेस पर चल रही है डबल वैलिडिटी, तो आप मेरे कूपन कोड Y461 का यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो ठीक है ना तो आप मेरे कूपन कोड Y461 का इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो समझ रहे हो यहाँ पर ठीक है चलिए यहां पर आ जाते एस एम को अगर थर्टी थ्री बोला है एस एम को अगर क्या बोला है मेरे थर्टी थ्री बोला है एस ए टी को अगर मान लो चालीस बोला है तो एम यू के उन्नीस नौ और चार तेरह और एक चौदह का चार फिर एक हाथ से लग गया दो तीन ये देखो चौतीस माइनस एक कर देंगे देखो तैतीस आ जाएगा चौतीस माइनस एक कर देंगे तैतीस आ जाएगा हाँ ऐसे यहाँ देखने की कोशिश करो तो उन्नीस है प्लस एक है और प्लस बीस है हाँ, तो यहां पर देखो हाँ नहीं एक सेकेंड नौ तीन बारह एक तेरह ये बिल्कुल ठीक है बेटा नौ तीन बारह एक तेरह का तीन फेंक तैतीस ये सही था और ये बीस और बीस चालीस ठीक था तो यहां देखो तेरह और प्लस इक्कीस और प्लस ग्यारह हाँ तो यहाँ पर देखिए एक एक दो तीन दो पाँच 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 बोले तो पैंतालीस इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है हाँ तो दो तीन चार तो पैंतालीस तो योर आंसर विल बी फोर्टी फाइव हाँ सी समझ गए क्लियर है कोई दिक्कत यहां तक किसी को ठीक है ना चले अगले क्वेश्चन पे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये नंबर सीरीज का है नेक्स्ट क्वेश्चन ये किसका है मेरे सेरो नंबर सीरीज का है जल्दी से देखकर बताइए इसका क्या आंसर आएगा फटाफट फड़ सभी के सभी मित्र इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल और आप सभी साथियों को मेरी तरफ से दुर्गा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं माता जी की कृपा आप लोग के ऊपर बननी चाहिए आप सब लोग मुझे ढूंढ डांड के हर जगह फॉलो करना शुरू कर दो ताकि आप लोग को अगर कोई समस्या आप मुझे मैसेज करो मैं आप लोगों को जवाब दे सकूँ ठीक है ना तो आप लोग ढूंढ के हर जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे नाम से सर्च क्या करो आपको मैं मिल जाया समझ चलिए देखते हैं यहाँ पर मेरा नाम तो जानते ही हो ना आप लोग नहीं जानते हो तो फिर तो बहुत ही गड़बड़ बात है विनय तिवारी ठीक है डने चले यहाँ आ जाइए तो सिक्सटी एट है सेवेंटी सेवन है एट्टी नाइन है हंड्रेड एंड फाइव है तो अगला और एक सौ तिरपन है ये ये देखो तो सिक्सटी एट से सेवनटी सेवन मतलब दो और सात दो नौ यहाँ नौ जोड़ दिया यहाँ देखो तो सात और दो नौ और ये हो जाएगा बारह हो जाएगा ये कितना हो जाएगा बारह हो जाएगा ये कितना हो जाएगा बारह हो जाएगा यहाँ देखने की बात अगर हम लोग करें पंद्रह एक सोलह यहाँ पर देखो सोलह हो जाएगा तो तीन तिरका नौ तीन चौके बारह फिर यहाँ देखो सोलह हो गया ना पंद्रह में से नौ जाएगा नौ छः पंद्रह और ये नौ में से एक आठ अब यहाँ कितना जोड़े और यहाँ कितना जोड़े तो यहाँ देखो हम क्या कह सकते हैं यहाँ तीन जोड़े यहाँ देखो चार जोड़े अब यहाँ कितना जोड़ दोगे पांच सोलह पांच कितना हो जाएगा इक्कीस तो इक्कीस जोड़ दो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा एक ठीक है फिर यहां पर इक्कीस और 6 कितना जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सत्ताईस यहां सत्ताईस जोड़ो सात छह तेरह देखो तो योर आंसर विल बी हंड्रेड एंड ट्वेंटी और ये क्वेश्चन हो गया आपका कैसा डबल डिफरेंस का, कैसा हो गया डबल, डबल डिफरेंस का डबल डिफरेंस का ये क्वेश्चन हो गया क्लियर है एसएससी एमटीएस का बेटा एग्जाम होना तो अगले महीने ही है अप्रैल में कब से होगा अभी ये नहीं बताया है ठीक है आई बात समझ में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है आपको निकाल करके बताना है कि एक्सक्लेमेशन के, के साइन का क्या आंसर बनेगा बेटा जल्दी ही आ जाएगी एक दो दिन के अंदर आप लोग की जो आंसर की है वो सारी चीजें आ जाएंगी ठीक है सभी दोस्त जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा फटाफट सारे के सारे मित्र निकाल करके बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा हम्म चलो देखो और बताओ यहां पर है और यहां पर है इसका मतलब इन दो डाइस को हम कभी भी कॉमन नहीं लेंगे मतलब इन दो डाइस को कभी भी कंपेयर नहीं करेंगे आंसर निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट वाले देखो तो डॉलर है डॉलर है तो इस एक्सक्लेमेशन का साइन ये एंड हो जाएगा आपका आंसर बी आ जाएगा सबसे पहले जब भी दो से ज्यादा डाइस बनी होती है तो हम क्या करते हैं हम करते हैं सबसे पहला जो लॉजिक या नियम लगाते हैं वो दो सरफेस कॉमन वाला नियम या लॉजिक लगाते हैं उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं ठीक है डन है चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से निकाल करके बताइए ब्राइट को अगर एक निश्चित कोड भाषा में W G P R Q E से संबंधित है उसी प्रकार एथनिक से संबंधित है तो कोर्स किससे रिलेटेड होगा एथनिक अगर इससे संबंधित है तो कोर्स किससे संबंधित होगा जल्दी से निकाल कर बताओ मेरे चीतों मेरे शेरों जल्दी से निकालो और बताओ इसका क्या आंसर बनेगा जल्दी यल्दी। जल्दी 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 सीआरपीएफ के न्यू वैकेंसी की क्लासेस बेटा चल रही हैं। आई थिंक दोपहर एक या दो बजे से शुरू हो जाती हैं और चलती है शाम के चार या पांच बजे तक ठीक है चलो यहाँ आ जाओ यहाँ आ जाइए देखिए यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स बनेगा यहाँ पर आपसे बोला गया है बी आर बी आर आई जी एस टी ब्राइट ब्राइट को क्या बोला है आपसे w G जी डब्लू जी पी आर क्यू ई आर क्यू रहा ठीक है देन आपसे क्या बोला है सी ओ यू आर एस ई कोर्स सी ओ यू आर एस ई कोर्स सी ओ यू आर एस ई कोर्स अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें समझिएगा तो यहाँ क्या हो रहा है अब क्या बी से W आर से जी ये रिलेट करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है अब इसमें किया क्या गया है वो समझिएगा ध्यान से। पहले इन सभी के मैं थोड़ी देख ना ये कोर्स और ये हटाना चाहूंगा तभी आप समझा पाऊंगा इनके अपोजिट लेटर्स तो बी का वाई आर का आई आई का आर जी का टी एच का एस और टी का जी अब उसके बाद देखो इसको क्या कहा गया है तो डब्लू जी पी आर क्यू और ई e. ये रहा माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू एंड माइनस टू इस टाइप से ठीक है देन आपसे कोर्स सी ओ यू आर एस ई कोर्स कोर्स की जब हम बात करते सी का अपोजिट वाई ओ का एल यू का एफ आर का आई एस का एच और ई e का बी माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू एंड माइनस टू तो पच्चीस में से दो गया तेईस बारह में से दो गया दस हाँ सी का एक्स है बेटा ठीक है तो ये हो जाएगा वी ये हो जाएगा जे वी जे उसके बाद ये डी नौ में से गया सात और आठ में से दो गया छह यानी एफ और बाईस में से तो बीच यानी डी तो ये रहा वी जे डी जी एफ टी वी जे डी ये भी नहीं है ये भी नहीं है वी जे डी जी एफ टी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा अब बताओ कितने लोगों का ये आंसर आ चुका था हाँ नितिन शॉर्ट बेटा एम टी एस का जो, दोनों जो टीयर हैं टीयर दो है ही नहीं टीयर एक ही है बेटा दो सेक्शन है तो वो एक ही दिन में होंगे बेटा हाँ क्लियर है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करके बताओ मेरे दोस्तों मेरे सेरों क्या आंसर बनेगा डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करके बताओ मेरे दोस्तों मेरे सेरों क्या आंसर बनेगा हाँ जल्दी-जल्दी <coughs> निकाल करके बताइए मेरे दोस्तों जल्दी से यहां पर आपसे बोला गया है यहां पर आपसे बोला गया है कि आपको डिक्शनरी ऑर्डर में शब्द को के क्रम में लगा करके बताना है तो ए एस 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 एच ए एस एच यानी अभी हम ये बिल्कुल नहीं पता कर पाए कि कैसा रहा हमारा आंसर ठीक है हाँ मतलब इसमें से कौन सा वाला आएगा पहले तो टी है ए है एल है पी है और सी टी एल पी सी टी एल पी सी तो जब हम टी एल पी सी की बात करते हैं तो वो कैसे बनेगा समझिएगा पर ठीक है डन है तो ध्यान से देखिए सबसे पहले ए बी सी डी में चार इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है योर एंसर विल बी सी योर एंसर विल बी सी तीन और चार मिलते ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आप लोगों को मैं बता दूं रात दस बजे की क्लास स्टार्ट हो चुकी है रात दस बजे वाली जो आपकी क्लास है वो क्या हो चुकी है स्टार्ट हो चुकी है हाँ तो कल रात हुई थी आपकी दस बजे की क्लास तो आज रात दस बजे भी क्लास होगी सब लोग जुड़िएगा और बेटा जितने सभी बैचेस पर सभी बैचेस पर सभी बैचेस पर डबल वेल्टी लाइव है डबल वेल्टी लाइव हो चुकी है आप लोग वाई फोर सिक्स वन इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो महापैक ज्वाइन करके महापैक ज्वाइन करके अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं ठीक है ना डन है चलो यहाँ आ जाओ एक और बात बता दूं आप लोग जब आप एप्लीकेशन पर जाओगे या वेबसाइट पर जाओगे तो वहां कोड लगे हुए आ रहे हैं तो आप लोग उसे हटा के आप हमारा कोड लगाइएगा उससे क्या होगा आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा ठीक है हाँ आज रात दस बजे क्लास कल रात हुई थी हाँ चलो यहां आ जाओ यहां आ जाइए तो इसमें समझ में आ गया आपका आंसर क्या बन गया सी वाला आगे बढ़ते नेक्स्ट निकालिए सब मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर कब बता दीजिए कहाँ मिलेंगे इंग्लिश लर्निंग बेटा जो आपके क्विज होते हैं ना ऐप पर डेली बेसिस पर उसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर का कॉलम मिल जाएगा आपको ठीक है गोल्डन एस एस का एडमिट कार्ड कब आएगा बेटा आप अपनी तैयारी रखो एडमिट कार्ड जब आना है आ जाएगा पेपर अगले महीने होना है इस बात की गारंटी है तो आप उसकी लिए मत परेशान एडमिट कार्ड कब आएगा अपनी तैयारी रखो बस हाँ जब आप सेशन वन पास कर लोगे यानी मिनिमम तीस परसेंट यानी बारह क्वेश्चन यानी छत्तीस नंबर ले आ लोगे तो आपका दूसरा सेक्शन चेक होगा छत्तीस से कम हुए तो नहीं चेक होगा चलो यहाँ आ जाओ यहां देखो एक निश्चित कोड भाषा में क्लब को विद्यालय के रूप में लिखा जाता है विद्यालय को खेल के रूप में लिखा जाता है जी विद्यालय को खेल के रूप में लिखा जाता है जी 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 जल्दी से जल्दी से निकालिए और बताइए चलो यहां आ जाओ देखो विद्यालय को खेल कहा जाता है मैदान के रूप में खेल को मैदान के रूप में घर के रूप में लिखा जाता है घर को बाजार के रूप में लिखा जाता है और बाजार को बस के रूप में विद्यार्थी पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं तो वो जाते हैं विद्यालय और विद्यालय को क्या कहा गया है खेल विद्यालय को क्या कहा गया है खेल का मैदान योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए जा रहा होगा ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाइए ब्लड रिलेशन खूनी रिश्ता ब्लड लेशन खूनी रिश्ता का क्वेश्चन निकाल करके बताइए इसका क्या आंसर आएगा जल्दी जल्दी निकालिए और बताइए जल्दी जल्दी निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा फटाक से चलिए टाइम अप हो चुका है ध्यान से देखिए यहां पर अगर हम लोग देखें एक परिवार में जेड जो डब्लू की मम्मी है एक परिवार में जेड जो W की क्या है बेटा मम्मी है ठीक है Z जो W की मम्मी है उसकी एक पोता पोती नाती नातिन है ठीक है हाँ इन फैमिली Z W's मदर W की मदर है Z ठीक है मदर हैज अ ग्र ग्रड तो ठीक है ना तो ग्रैंड किड है तो अब वो कौन है अभी हमें नहीं पता है डन है चलो आगे बढ़ते हैं

तो डॉटर हो जाएगी यहां तक हो गया एक्स की एक बहन है एक्स की एक बहन है कोई जो भी होगी ठीक है बहन है उषा और विवाहित है उषा और जेड विवाहित है तो ये हो जाएगी उषा और जेड विवाहित है एम उषा से किस प्रकार संबंधित है अब देखो एम उषा से कैसे संबंधित है तो एम क्या हो जाएगा ग्रैंड सन हो जाएगा एम क्या हो जाएगा ग्रैंड सन हो जाएगा या डेटा इन जल्दी जल्दी देखो और बताओ इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा तो हाँ क्या एम का जेंडर पता है देख लो बोला है उषा इज द फादर ऑफ एक्स उषा फादर हो गया एक्स के ठीक है हु हैज अ किड ओके किड का मतलब यहां हमें जेंडर नहीं पता है हमें किड का मतलब किड बोला है ना यहाँ पर किड बोला है तो इसका मतलब हमारा बस इतना ही बनाना था और हमें एम का क्या नहीं पता है मेरे सेरो हमें एम का जेंडर नहीं पता है हमें एम का क्या नहीं पता है? जेंडर नहीं पता है तो ग्रैंडसन नहीं ग्रैंडडॉटर नहीं कजन नहीं तो आपका आंसर क्या चला जाएगा डेटा इन एडिक्वेट आंकड़े अपर्याप्त हैं उसका कारण आंकड़े अपर्याप्त होने का कारण यह था उसका किड यह था इसका यह किड वाला लाइन किड वाला समझ गए <coughs> ठीक है ना समझ गए चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाए निकालिए सी के अपोजिट क्या आएगा निकाल करके बताओ मेरे सी के अपोजिट क्या आएगा जल्दी से <coughs> जी बेटा गुड़गांव बेटा गुड़गांव चलो जल्दी जल्दी निकाल करके बताइए सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर ना किया जल्दी से सेशन को शेयर कर दें और लाइक कर दे जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया जल्दी से यहां आ जाओ सी के अपोजिट क्या आएगा तो अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है बी दिख रहा है और ए तो ए और बी ए और बी काट दो तो सी का अपोजिट क्या आ जाएगा डी आ जाएगा सी का अपोजिट क्या आ जाएगा डी आ जाएगा तो उसने पूछा सी के अपोजिट तो ऑप्शन नंबर सी डी आंसर ऑप्शन नंबर सी डी एंसर निकालो अगर अर्जेंटीना की करेंसी पीसो है यानी पेसो है तो ब्राजील की करेंसी क्या है? जल्दी से निकाल करके बता दो मेरे सिर बताओ जल्दी जल्दी ब्राज़ील की करेंसी क्या है हाँ जल्दी जल्दी जल बताइए सभी लोग हाँ जी। ब्राज़ील की करेंसी क्या है मेरे दोस्तों हाँ। तो डॉलर नहीं है यूरो नहीं है पाउंड नहीं है आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला बन जाएगा क्लियर है गॉट इट डन अगले क्वेश्चन पे आ जाइए नेक्स्ट निकालिए इसमें से कौन सा वाला है अब बताइए जल्दी से अगला बोला है आपका आकर्षक अपीलिंग मतलब जिसकी तरफ हम अट्रैक्ट हो जाए उत्कृष्ट हाँ एक्विसाइट और एलरिंग मतलब मनोहर भून देखो आकर्षक उत्कृष्ट और मनोहर ये वो चीजें हैं जो हमें अच्छी लगती हैं हमें अच्छी लगने वाली चीजें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बूंद इसका आंसर क्या हो जाएगा बूंद ड्रॉप ड्रॉप इनमें से अलग है क्योंकि ये तीनों शब्द ऐसे हैं जो अट्रैक्ट करने वाली चीजों को या अट्रैक्ट करने वाले मीनिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं हाँ हाँ ठीक है ना लेकिन ड्रॉप या हम ये भी कह सकते हैं अपीलिंग उत्कृष्ट और मनोहर ये फीलिंग तो नहीं बोलूंगा क्योंकि आकर्षक होना किसी का या किसी का उत्कृष्ट होना किसी का मनोहर ये एक तरीके से अट्रैक्शन वाले वर्ड्स हैं आपके ठीक है चलो अगला तेरह जनवरी 2006 को अगर शुक्रवार था तो 28 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा निकाल करके बताइए सभी मित्र जल्दी से सभी मित्र जल्दी से निकाल करके बताएंगे इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा जल्दी जल्दी निकालिए और बताइए चलो आ जाओ यहां देखो अब देखो तो इस क्वेश्चन कैसे करोगे तेरह जनवरी 2006 को अगर क्या था फ्राइडे था तो पहले अभी 13 जनवरी 13 जनवरी 2008 तक जाओ ठीक है अब देखो 2008 से 2006 मतलब 6 से 8 तो 8 माइनस छ कर देंगे कितना आ जाएगा दो अब एक बात बताओ 2006 से 2008 13 जनवरी तक क्या कोई लीप ईयर आएगा कतई ही नहीं आएगा यानी अभी तक यहाँ दो जोड़ दो तो फ्राइडे सैटरडे और संडे यहाँ तक आ गया संडे अब क्वेश्चन ये हो गया कि 13 जनवरी 2008 से आठ से जनवरी 2008 से आपको जाना है 28 मार्च 2008 तक अब ये निकालना है आपको ठीक है तेरह जनवरी 2008 को रविवार था तो अब आपको निकालना अट्ठाइस मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा अब आ जाते हैं यहां देखो जनवरी ले लो यहाँ फरवरी ले लो यहाँ मार्च ले लो तीन महीने हैं आपके ले लो अब उसके बाद देखो जनवरी में इकतीस दिन होते हैं तेरह दिन बीत चुका है तो चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस ऐसे करोगे तो इकतीस में से घटा दो ना इकतीस में से तेरह दिन घटा दो इकतीस माइनस तेरह कर दो इसको थोड़ा इधर लिखते हैं ना थोड़ा जगह है जनवरी फरवरी एंड मार्च तो इकतीस माइनस तेरह कर देंगे तो कितना आएगा इकतीस माइनस तेरह कर देंगे इकतीस माइनस तेरह कर देंगे तो कितना आएगा ग्यारह में से हाँ ग्यारह में से तीन गया तो आठ हो गया और उसके बाद दो में से एक गया एक अट्ठारह ठीक अट्ठारह को सात से भाग कर दो तो कितना सातुनी चौदह चार बचेगा फरवरी दो हजार आठ है चूंकि और चूंकि फरवरी है तो लीप ईयर है तो इसमें उनतीस दिन होंगे एक दिन बचेगा मार्च की कितनी तारीख पूछा तेरह सात एक कम सात चला जाएगा तो छः बच जाएगा ऐसे चाहे इधर जोड़ो चाहे उधर जोड़ो सेम आएगा तो छत ये काट दो और एक साथ क्या करा हमने काट दिया अब उसके बाद देखो यहाँ पर चार ये हुआ चार दिन यहाँ जोड़ दो तो योर आंसर क्या आ जाएगा संडे में अगर हम चार दिन ऐड करने की कोशिश करें जी चार एक पांच उनतीस था एक आया और सात एकम सात छह तेरह हो गया जी देखो जल्दी से देखो हम्म फ्राइडे फ्राइडे ना हम्म ओहो तेरा नहीं बेटा ये अट्ठाईस था इधर देखो हम्म मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ तो हुआ है इसमें इधर देखो हमें कहाँ तक जाना है मार्च की अट्ठाईस तारीख तक जाना है ये एक ठीक है ये अट्ठाईस है ये जीरो है तो ये हो जाएगा टोटल पाँच दिन तभी मैं कहूँ ना कि कुछ तो गड़बड़ हुआ ना गड़बड़ी नहीं समझ आई पाँच तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्राइडे हो जाएगा और आप लोग फ्राइडे कमेंट कर भी रहे थे हम सही जा रहे थे बिल्कुल लेकिन यहाँ अट्ठाइस पूछा था हमने तेरह देख लिया था पॉइंट समझे देखो हमने पहले जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आया तो पहले आप सेम डेट पर काम कर लिया करो ठीक है सेम डेट पर जब आप काम कर लोगे तो उसके बाद बचे हुए दिनों पे काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा तो पहले सेम डेट और जितने उस पे काम कर लो ठीक है उसके बाद आप बड़े आराम से रिस्पॉन्स बना सकते हो जी राधे राधे बेटा चांदनी अट्ठाईस को आपने तेरह लिख दिया तभी हो रहा था राधे राधे बेटा अच्छा जी क्लियर हुआ सभी को कोई प्रॉब्लम यहां तक बताइए नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट चार से डिवाइड होने वाला और सेंचुरी यह चार सौ से हाँ आ, लीप यह चार से डिवाइड होता है ठीक है, है? चलो दक्षिण की ओर चार किलोमीटर चलने के बाद पी बाई और मुड़ता है दक्षिण की ओर चार किलोमीटर चलने के बाद पी बाई और मुड़ता है हाँ बाई और मुड़ा और चार किलोमीटर चला फिर से बाई और मुड़ा और चार किलोमीटर चला फिर वह अपने बाई और मुड़ता है और चार किलोमीटर चलता है फिर वह अपने दाई और पांच किलोमीटर चलता है फिर वह मुड़ता है, है।, है और पांच किलोमीटर चलता है अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितना दूर है तो पूरब में है और पांच और चार कितना हो जाएगा नौ नौ मीटर पूरब नौ मीटर या नौ किलोमीटर जो भी है पूरब नौ किलोमीटर पूरब क्लियर है चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाइए नेक्स्ट होप को अगर 88 कहा है फेथ को तो क्या कहा जाएगा होप को अगर 88 कहा है हाँ रात वाली करते हैं बेटा ठीक है हाँ मैंने कहा है रात वाली क्लास में जैसे ही फाइव हंड्रेड प्लस कैंडिडेट होगा नेक्स्ट डे से आपकी क्लास टॉपिक वाइज कर देंगे कल आप लोग आए थे कल आप लोग के तीन साढ़े तीन सौ बच्चे थे उसे पांच सौ प्लस करते ही रात वाली क्लास को टॉपिक वाइज कर देंगे ठीक है तो आप सब लोग रात वाली क्लास में टॉपिक वाइज करने के लिए तैयार रहिए चलो यहाँ देखो होप एच ओ ई -E, होप होप को क्या बोला है मेरे दोस्तों एटी एट बोला है होप को क्या बोला है एटी एट देखो आठ है और प्लस पंद्रह है और प्लस सोलह है और प्लस पाँच है तो पंद्रह और पाँच बीस बीस और बीस बीस चालीस चालीस और चार चौवालीस चौवालीस का डबल अगर हम कर दें तो देखो एट्टी एट आ जाएगा वैसे ही एफ ए आई एफ ए आई टी एच फेथ फेथ को क्या बोला है तो छः है प्लस एक है प्लस नौ है प्लस बीस है और प्लस आठ है तो नौ और एक दस बीस दस तीस तीस और आठ अड़तीस और छह अड़तीस और छह कितना हो जाएगा चौवालीस हो जाएगा फोर्टी फोर और चवालीस का डबल कर दोगे तो एट्टी एट ही आएगा इसका भी आंसर एट्टी एट ही आएगा अब देखो यहाँ गलती ना कुछ लोगों से चवालीस हो सकती है कुछ लोग जल्दीबाजी में ही सही लेकिन फोर्टी फोर आंसर बोल सकते हैं और जैसे फोर्टी फोर बोलोगे आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा ठीक है चलो

बानवे यानी नाइनटी टू कहा गया तो तेरह को क्या कहा जाएगा अड़तालीस पक्का ते अरे कैसे डबल कर थोड़ी ना रहे हैं हां जी डबल थोड़ी ना कर रहे हैं हाँ बावन कह रहे हैं नीता राम जी ओके बावन माइनस ओके बेटा ठीक है चलो मेजोरिटी कह रही है हाँ अमृता सिंह एंड ऑल दैट माइनस चार और कर देंगे ना इधर देखो अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो चौबीस गुणे चार और माइनस चौबीस गुणे चार माइनस चार तो चार चौके सोलह छः फिर एक हाथ से चार दुनिया आठ नौ छियानवे माइनस चार कर देंगे तो बानवे आ जाएगा तो ऐसे यहाँ कर देंगे तेरह चौके बावन और माइनस चार तो बावन माइनस चार कर देंगे तो कितना आ जाएगा अड़तालीस आ जाएगा बावन माइनस चार कर देंगे तो कितना आ जाएगा अड़तालीस आ जाएगा बावन माइनस अगर हम चार करते हैं तो अड़तालीस यानी फोर्टी एट आ जाएगा ठीक है चलिए डन है अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है निकाल करके बताइए मेरे दोस्तों क्या आंसर बनेगा निकाल करके बताइए इसका क्या आंसर आएगा सभी दोस्त हाँ चलो जल्दी जल्दी निकालो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन और आपका मुझे लगता है टाइमर तो एंड हो गया है ठीक है चलो देखो यहां पर यहां पर बोला है एच ए यू एस ई और आर इसको बोला है एस वी एफ एन वी और एम ये रहा ठीक है अब अगर आप लोग यहां पर देखने की कोशिश करो तो कैसे हो रहा है आठ पांच तेरह चलो देखो जल्दी जल्दी देखो जल्दी जल्दी देखो और बताओ यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है क्या लॉजिक बन रहा है ठीक है हाँ जी यहाँ आप देखो तो कुछ अपोजिट दिख रहे हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सोनू गुड मॉर्निंग देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो एच का अपोजिट ये क्या है इसका अपोजिट एफ का अपोजिट ई e का अपोजिट ठीक है ए में माइनस पांच माइनस पांच माइनस पांच तो ऐसे करके देखें कि आप देखते हैं आंसर बनता है क्या एस टी ए टी यू ई तो अपोजिट एस का अपोजिट एच ए का अपोजिट जेड यू का अपोजिट एफ माइनस पांच माइनस पांच माइनस पांच तो ओ ओ और ये हो जाएगा आपका जेड एच ओ जेड ओ एफ जेड एच ओ जेड ओ एफ जेड ऑप्शन नंबर बी बन रहा है क्या यही आंसर आ रहा आप लोग का हाँ बिल्कुल अगर यही लॉजिक बना रहे हो तो आप लोग बिल्कुल सही जवाब कर रहे हो अदरवाइज गलत है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है निकाल करके बताइए अगला क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा फटाफट निकाल करके बताएंगे ठीक है जल्दी जल्दी जी जी चलो यहां आ जाओ ए ए, ए ए ए ए अब आपको बताना है इसमें से कौन सा वाला डिफरेंट है अलग है तो देखो सत्रह और चार इक्कीस सत्रह चार इक्कीस और यहां पर माइनस एक यहां देखो चार और तीन और चार सात और यहाँ माइनस दो यहाँ उन्नीस और चार तेईस यहाँ दस और चार चौदह यहाँ तेईस माइनस दो यहाँ पर भी माइनस दो तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्योंकि बाकी सब में प्लस चार माइनस दो प्लस चार माइनस दो इस वाले में प्लस चार माइनस एक हो रहा है प्लस चार माइनस एक हो रहा है चलो जल्दी से निकालो लोअर को अगर ये कहा गया तो अगला क्या बनेगा जल्दी जल्दी निकाल करके बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा सभी दोस्त जल्दी से निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा फटाफट सारे के सारे मित्र हमारे निकालेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा चलो 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 जल्दी जल्दी बताओ बारह तेरह पंद्रह पाँच अच्छा सबकी प्लेस वैल्यूज को जोड़ दे यही कहना चाह रही है बेटा अंशु और कोई बताएगा हाँ अंशु ने तो अपना लॉजिक अपना कॉन्सेप्ट बता दिया बाकी और कोई एनी बडी चलो आ जाओ यहाँ देखो सिक्सटी फोर देखो एल ओ एल ओ डब्ल्यू ई लोअर लोअर को क्या बोला है सेवेंटी एट तो ये देखो बारह है प्लस पंद्रह है प्लस तेईस है प्लस पाँच है और प्लस अठारह है अठारह पाँच तेईस तेईस दो न छियालीस 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 सैतालीस अड़तालीस अड़तालीस दस, दस अट्ठावन अट्ठावन और पाँच अट्ठावन और पाँच तिहत्तर अट्ठावन पाँच तिरसठ दस तिहत्तर सेवेंटी थ्री और एक दो तीन चार पाँच प्लस पाँच कर देंगे सेवेंटी तो एट एक तो ये तरीका बन रहा है कि सबकी प्लेस वैल्यू को जोड़कर पाँच जोड़, जोड़ दें अगर ऐसा हुआ है तो जोकर जे ओ के ई आर अगर हम इसकी बात करते हैं तो दस है प्लस पंद्रह है प्लस ग्यारह है प्लस पाँच है और प्लस अट्ठारह है तो पाँच पंद्रह पाँच बीस दस तीस तीस दस चालीस पचास पचास कर लो पचास और नौ पचास और नौ उनसठ तो उनसठ यानी फिफ्टी नाइन फिफ्टी नाइन और प्लस पाँच कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 64 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर यही गलत आ रहा है आप लोगों ने फिफ्टी नाइन फिफ्टी नाइन कमेंट कर रहे थे और फिफ्टी नाइन वालों सारे के सारे गलत जवाब दे रहे जितने भी फिफ्टी नाइन बोलने वाले हमारे मित्र है ना वो सब गलत जवाब दे रहे चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाइए नेक्स्ट डायरेक्शन और डिस्टेंस दिशा और दूरी का प्रश्न है रात दस बजे की क्लास में आज आप सब लोग जुड़िएगा मैंने कहा है आप लोग अगर रात दस बजे की क्लास को बहुत अच्छा सपोर्ट करोगे तो वो कल ही वो क्लास मंडे से वो टॉपिक वाइज कर दूंगा लेकिन आप लोग के हाँ आप लोग के सपोर्ट के ऊपर होगा हाँ चलो तो आप लोग जितना ज्यादा प्यार दोगे उस क्लास को उतना ज्यादा मजा आएगा चलिए देखिए आप हाँ। बोला है एम एल दस मीटर उत्तर में एम जो है वो एल के दस मीटर उत्तर है, M जो है वो एल के एल के दस मीटर उत्तर में कौन है एम जे के बारह मीटर उत्तर में है जे जो है वो के के बारह मीटर उत्तर में हमें नहीं पता एन एम के तीन मीटर पश्चिम में एन जो है वो एम के एम के तीन मीटर पश्चिम में है कौन ठीक है अ... उसके बाद बोला है के एल के पांच मीटर पश्चिम में के एल के के एल के पांच मीटर पश्चिम में उसके बाद बोला है जे के के बारह मीटर उत्तर में जे जो है वो के के बारह मीटर उत्तर में जो है वो जे सापेक्ष में के, के किस दिशा में एम के सापेक्ष में के किस दिशा में तो दैट इज साउथ वेस्ट दैट इज साउथ वेस्ट दैट इज साउथ वेस्ट हो गया एम के सापेक्ष में के किस दिशा में एम के सापेक्ष में यानी एम से के डायरेक्शन में बोला है इन विच डायरेक्शन के विद रिस्पेक्ट टू एम क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपने सही से नहीं पढ़ा मेरे शेरों इसीलिए आपने गलत आंसर बनाया है जल्दी से सब लोग जिन्होंने भी गलत बोला है ना नॉर्थ वेस्ट जय माता दी बोले सब लोग चलिए अगला क्वेश्चन बोला है कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का एक सार्थक क्रम होगा कौन सा हाथी मच्छर वेल बिल्ली बाघ तो सबसे छोटा है मच्छर मॉस्किटो यानी तीन नंबर इसको हम लोग हमेशा ज्यादातर हम किसमें लगाते हैं बढ़ते क्रम में किसमें लगाते हैं मेरे दोस्तों ज्यादातर बढ़ते क्रम में और बढ़ते क्रम में लगाने से अगर नहीं बना तो घटते क्रम में हो जाएगा देखो सबसे पहले आपने कहा मॉस्किटो तीन नंबर किसी में भी नहीं है मॉस्किटो के बाद क्या आएगा बिल्ली आएगी बिल्ली से क्या आएगा बिल्ली के बाद आएगा आपका बाघ आएगा बाघ के बाद क्या आएगा हाथी आएगा और हाथी के बाद बेट तो आपका आंसर सी जितने लोगों ने बोलने की चेष्टा की है कोशिश की है वो सब लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं चलो ये क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है डन इस क्वेश्चन को एच डब्ल्यू करते हैं और आपके टोटल आज हो गए ट्वेंटी क्वेश्चन फिर से तो ट्वेंटी क्वेश्चन में आपका कितना स्कोर आया जरूर बताइएगा बेटा आप सीजीएल के इस बैच से जुड़ सकते हो आज अगर आप आज रात बारह तक आज रात बारह बजे तक अगर आप इस बैच से जुड़ते हो और वाई लगाते हो तो यह बैच आपको मात्र एक हजार पचास रुपए में ऐप से मिलेगा ऐप से मिलेगा उसमें कॉइंस यूज करने के बाद समझ रहे हैं ना ऐप से आप इसको जुड़ सकते हो रोज शाम चार बजे इस पर मेरी क्लास चल रही है रोज शाम चार बजे रोज शाम चार बजे ऐप पर मेरी क्लास लाइव चल रही है ऐप पर ऐप पर मेरी क्लास लाइव है ऐप पर अगर आपको बुक्स भी चाहिए तो ये इसमें बुक्स आपके घर पर डिलीवर होंगी इस पर भी डबल वैलिडिटी चल रही है इन सब महापैक्स पर डबल वैलिडिटी चल रही है और एक अच्छी बात देखो डबल वैलिटी का मैं आपको सबसे बड़ा बेनिफिट बताऊं को जिस कोर्स के लिए आप 12 महीने के लिए जो फीस पे कर रहे थे अब वही फीस पे करने पर आपको अगले 24 महीने तक वो बैच मिलता है देखो ये सीजल का महा पैक इसमें सीजल से रिलेटेड जितनी भी क्लासेज आएंगी उस वो सब मिलती रहेंगी रिवीजन बैच क्रैश कोर्स कुछ भी यहां पर सीएचएसएल की जितनी भी क्लासेस आएंगी वो यहां पर यहां पर एसएससी का कोई भी एग्जाम तो आप खुद सोचो ना नॉर्मल अगर आप कोई भी बैच लेते हो, तो पाँच सौ सात सौ रुपए हजार रुपए का तो यहाँ अगर वहां पैक ले तो सारे एग्जाम कवर हैं आप लोग के बस कूपन कोड यही लगाइएगा और ऐप से खरीदना उसमें आते हैं कॉइंस भी उसमें आते हैं कॉइंस भी उसको टिक कर देना तो आप लोग को और सौ डेढ़ सौ रुपए कम हो जाएगा और आज रात बारह बजे से पहले इसका फायदा उठा लो आज रात बारह बजे तक आज रात बारह बजे तक ये डीवी लाइव है डीवी लाइव है या कोई भी बैच खरीदो उन सब पर डबल वैलिडिटी मिल जाएगी ठीक है कोई भी बैच खरीद लो और अगर आपको बुक ऑर्डर करनी है तो वाई फोर सिक्स और सीजीएल की बुक ऑर्डर कर लो जिससे आपके घर पर वो बुक डिलीवर हो जाए ठीक है ना मेरे दोस्तों होप सो आप लोग को मेरे द्वारा बताई गई बात समझ आई होगी और दो तारीख को हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं दो अप्रैल को हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अर्जुन तो क्या है अर्जुन इसको जानना है समझना है आपकी तैयारी में जो सबसे ज्यादा साथ देने वाला है अगर इसे समझना चाहते तो आपको बस कुछ नहीं करना अड्डा अड्डा की चैनल यानि पे आ, दो अप्रैल को शाम को सात बज के पैंतालीस मिनट पर लाइव आना होगा और भूल मत जा तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं मस्त रहिए है, खुश रहिए मुस्कुराते रहिए मुलाकात करते हैं आपसे दोपहर दो बजे और रात दस बजे एक एक बच्चा लाइव चाहिए सब लोग जुड़ जाओ जिससे मैं शाम को चार बजे आपसे ऐप पर मुलाकात करूं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिलोलिज्म का टॉपिक कौन सा टॉपिक सिलॉक्स का टॉपिक ऐप पर डिस्कस करने जाते